हेलो दोस्तों, यहाँ पे एक न्यू एप्लीकेशन आ चुकी है। काफ़ी बेटर एप्लीकेशन है, वंस क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन। कैसे यूज करना है, वंस क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन कैसे मिलेगा, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सारा कुछ आपको बताते हैं दोस्तों। रियल है कि फेक है, जिसके थ्रू आप इमरजेंसी 5 मिनट में लोन भी ले सकते हो। इस एप्लीकेशन से आपको 5 मिनट में लोन भी मिल जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दे देते हैं दोस्तों, और इस एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई तभी करिएगा जब पूरी जानकारी हो जाए। और दोस्तों, यहाँ पे अबाउट दिस ऐप में इस एप्लीकेशन के कुछ सिक्योरिटी के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जो कि देख सकते हो दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो बनूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। प्राइवेसी अग्रीमेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा सा रीड करना होता है तो स्क्रॉल कर लीजिएगा और पे ये रीड वाले ऑप्शन पे टिक लगा के और अग्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो स्क्रॉल करोगे जो दोस्तों तो अग्री का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे अग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। स्टेप बाय स्टेप पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। परमिशन नोटिस है दोस्तों, तो आई हैव वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है और अग्री का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। क्लिक करके कुछ परमिशन मांगेगा, कुछ परमिशन दे देना है, अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे फिर से अलाउ करने को बोला जाएगा, अलाउ कर दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से आपको जैसे लोन अमाउंट देखने को मिल जाता है मैक्सिमम, और इंटरफेस भी। तो दोस्तों, यहाँ पे 1 लाख मैक्सिमम लोन अमाउंट है। और दोस्तों, रिटर्निंग 3 मंथ से एगो में आप रिटर्न कर सकते हो, 3 मंथ से आगे आप रिटर्न कर सकते हो। गेट क्रेडिट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो गेट क्रेडिट का ऑप्शन सबको दिख रहा होगा दोस्तों, तो कमेंट में लिख दीजिएगा। और लोन अप्लाई करना कैसे कर रहे हो ये भी बता दीजिएगा। गेट क्रेडिट के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो लॉगिन करना होगा, जो भी फ़ोन नंबर आप यूज करते हो उस फ़ोन नंबर से OTP कोड करके आएगा कोड, तो उसको वेरीफिकेशन कर लेना। फिर से गेट क्रेडिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, दोबारा क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन आपका, जो कि सेल्फी फ़ोटो फ्रंट कैमरे से, और दूसरा दोस्तों आधार कार्ड फ्रंट। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहला होता है दोस्तों, KYC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, बैंक इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, जैसे कि आप यूज करते हो, आप जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड यूज करते होगे तो वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो थोड़ा सिक्योर रहिएगा, जैसे कि पैन कार्ड भी यहाँ पे अपलोड किया जाएगा आपका, जो कि मेन डॉक्यूमेंट होता है, आधार कार्ड का फ्रंट और आधार कार्ड का बैक और पैन कार्ड का फ्रंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, और बैंक इन्फॉर्मेशन में दोस्तों अकाउंट नंबर और IFC कोड यही लगेगा। तो ये सारा कुछ आपका सबमिट कर लेना, यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस एप्लीकेशन से आप जब भी अप्लाई करिएगा, जैसे कि दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा, लेकिन आप एक बात बैंक से आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, और उससे सिक्योर होने के बाद इस एप्लीकेशन से अप्लाई करिएगा। IFC कोड पूछने जाओगे जब भी दोस्त अपने बैंक से, तो आप उससे पूछ लीजिएगा। रिपे करने का ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों, रिपेमेंट करने का, तो ये भी आप देख सकते हो। और इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई तभी करिएगा जब सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी से शेयर जरूर किया जाएगा थर्ड मेंबर तक। तो थोड़ा सिक्योर रहिएगा। जय जवाहर, वंदे मातरम, थैंक यू।